बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकन अब्दु यकन अस्तिन। तो गाइज़, अभी हमने इलियम डिस्कस कर लिया, अब हम प्यूबस डिस्कस करेंगे। प्यूबस का मैंने बताया था, बॉडी ऑफ प्यूबस होता है सुपीरियर रैमस होता है, इन्फीरियर रैमस होता है, ये होता है प्यूबिक ट्यूबरकल हो गया, ये प्यूबिक क्रेस्ट होता है, ठीक है। और ये होता है मीडियल या पेक्टिनल लाइन, एंटीरियर सर्फेस होता है, पोस्टीरियर होता है, मीडियल सर्फेस होता है, ठीक है। ये सुपीरियर बॉर्डर होता है, इंटीरियर बॉर्डर होता है, ये इन्फीरियर बॉर्डर ये अंदर वाली साइड पर ऑब्टूरेटर इंटरनस वाला होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो अटैचमेंट है ना, वो कैसी कैसी होगी। हमने कहा था कि एक इनग्वाइनल लिगामेंट यूँ आके लगता है, ठीक है। तो यहाँ एंटीरियर सुपीरियर इलिक्स माइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक, तो प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर क्या हो गया, इनग्वाइनल लिगामेंट की अटैचमेंट होगी। उसके बाद जो है ना, मेल्स के अंदर जो है ना ट्यूबरकल्स, अच्छा ये ट्यूबरकल की क्या है, मेल्स के अंदर जो है ना ये यहाँ से जो है ना स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये पूछते होते हैं कि इसकी मेल के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ना वो यहाँ से क्रॉस करती है मेल्स के अंदर मोस्टली। अब जो होते हैं ना इंटीरियर सर्फेस ऑफ द प्यूबस, ये वाला ये इंटीरियर सर्फेस, इसकी अटैचमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी अटैचमेंट करने के लिए ना हमें ऊपर जो होते हैं ना पेक्टिनियल सर्फेस, ये वाला था ना, ठीक है, और अंदर वाला जो था पेल्विक सरफेस था, तो ये वाली थी ऑब्चूरेटर सरफेस थी। तो पेक्टिनियल सरफेस के ऊपर जो थे ना वो क्या होगा, पेक्टिनियस मसल, नाम में ही काम है, तो पेक्टिनियस मसल जो है ना यहाँ पे लगेगा। उसके अलावा जो थे ना फिर प्यूबिक ट्यूबरकल आ जाता है, प्यूबिक ट्यूबरकल के बिल्कुल नीचे जो थे ना रेक्टस एब्डोमिनस मसल, यानी यहाँ पर था रेक्टस फेमोरस, इंटीरियर इन्फीरियर और सेटाइटेड, और यहाँ पे था रेक्टस फेमोरस, ये कन्फ्यूज नहीं करना। यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनस मसल आएगा पहले, फिर उसके बिल्कुल नीचे आएगा पैरामीडियलिस मसल, और उसके बाद आएगा फिर एडक्टर लॉन्गस। आपने सिंपल यू बताना है, प्यूबिक ट्यूबरकल वहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड को क्रॉस किया, रेक्टस एब्डोमिनस, फिर आएगा पैरामीडियलिस हो गया, और फिर हो गया उसके बाद एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस के बाद क्या आएगा, ग्रेसिलस एक मसल होता है, वो हम उसकी अटैचमेंट और वो सारी इंसर्शन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ग्रेसिलस मसल आएगा, उसकी ओरिजिन होगी, उसके बाद फिर आएगा एडक्टर ब्रेवस। एडक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलस, एडक्टर ब्रेवस, और फिर बाहर जो है ना वो ऑब्चूरेटर एक्सटर्नस सारे का सारा आ जाएगा, ठीक है। ऑब्चूरेटर एक्सटर्नस, और पीछे जो तक जो ये लाइन्स आपको नज़र आ रही है ना जो मैंने लगाई हुई हैं, ये किसके लिए होंगी, एडक्टर मैग्नस के लिए। देखो ना यार, ये थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन इजी भी है, ठीक है। ये हो गया प्यूबिक ट्यूबरकल, इसके बिल्कुल नीचे क्या था, रेक्टस एब्डोमिनस, उसके बाद क्या गया एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। एडक्टर लॉन्गस के बिल्कुल नीचे क्या था, मैंने बताया था पैरामीडियलिस के बिल्कुल नीचे एडक्टर लॉन्गस, के बाद यहाँ पे एडक्टर ब्रेवस आएगा। ब्रेवस छोटा मसल होता है, लॉन्गस बड़ा होता है। लॉन्गस ऊपर आ गया, पैरामीडियलिस, एडक्टर ब्रेवस हो गया, फिर यहाँ पे जो इसने को कवर करना है ना, ऑब्चूरेटर एक्सटर्नस आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना इस प्यूबिक रैमस के ऊपर ऊपर तक एडक्टर मैग्नस है। लॉन्गस, ग्रेसिलस, ब्रेवस, मैग्नस, और ये सारे का सारा ऑब्चूरेटर एक्सटर्नस, बिल्कुल ईजी है। जिसे ना समझ आए वो रिमाइंड करके देख सकता है, ठीक है। और ये इसकी अटैचमेंट बाहर वाली साइड पे होगी, यहाँ पे जो था ना वो पेक्टिनियस मसल आ रहा है। अब अंदर वाली जो पेल्विक सरफेस है ना, इसके ऊपर इंतहाई आसान मसल है, मुझसे ये वाइवा में पूछे थे मैम ने। तो यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा मसल लगता है, वो लिवेटर एनाई होता है, और क्योंकि ये ऑब्चूरेटर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे बाहर वाली साइड पे ऑब्चूरेटर एक्सटर्नस, अंदर वाली साइड पे ऑब्चूरेटर इंटरनस। लिवेटर एनाई यूँ करके लगा होता है, ठीक है, ये पीछे तक जा रहा होता है। तो इसकी ओरिजिन ये होता है ना, यहाँ से लिवेटर एनाई होती है और ऑब्चूरेटर इंटरनस, मैंने सिर्फ इतना बताया था, मैम ने कहा था ठीक है। तो बैक्टीरियल सरफेस का मैंने कहा था पैक्टीनियस आ जाता है मसल। अब जो होते हैं ना पेल्विक सरफेस अंदर वाली, यानी ठीक है, उसकी थोड़ी सी ना एक रिलेशन है जो इम्पोर्टेंट पूछते थे, वो कहते हैं कि पेल्विक सरफेस की जो है ना वो इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ से जो है ना डक्टस डेफरेंस इन मेल, प्यूबिक ट्यूबरकल के स्पर्मेटिक कॉर्ड थी ना, यहाँ पे होता है डक्टस डेफरेंस इन मेल, जबकि राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल, क्योंकि फीमेल होते हैं अंदर वो यूट्रस पड़ी होती है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल, डक्टस डेफरेंस इन मेज, इसकी जो है ना वो क्रॉस करते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो होता है ना ऑब्चूरेटर ग्रूव जो होता है ना वो क्या करता है, ये यहाँ पे एक ऑब्चूरेटर ग्रूव है, ये इसका काम क्या है, यहाँ से वेसल्स और जो सारे के सारे नर्व्स है ना, वो वेसल ऑब्चूरेटर नर्व और ऑब्चूरेटर वेसल्स जो है ना वो सारे के सारे यहाँ से क्रॉस करती हैं। बाकी जो है ना नीचे वाला ईस्टियोपियूबिक रैमस, इसका मैंने बताया था अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है, इंटीरियर बॉर्डर इंटीरियर सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस होती है। तो इसका ऑलमोस्ट यहीं तक था, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर होगी। नेक्स्ट हम इसके हमको कवर करते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आने वाली है।